जो फर्ज है वो अहले सियासत जाने, उनका जो फर्ज है वो अहले सियासत जाने। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे, मेरा पैगाम मोहब्बत है, मेरा पैगाम मोहब्बत है, मेरा पैगाम मोहब्बत है। कैसी साहब, देख रहे हैं आप जिगर साहब की हालत, इसीलिए घर में नशिस्त मुनक्किद करने के लिए मना कर रहे थे हम। हम तो खुद इस हक में नहीं थे, लेकिन जिगर साहब भी मिजाजन जिद्दी हो गए, मानते ही नहीं, चाहे अपनी जान पर ही बनाए। अरे बेगम, सब दोस्तों का काफी दिनों से इसरार था, साथ बैठने का मौका ही नहीं मिल रहा था, बस इसीलिए हमने कैसी मियाँ से नशिस्त के लिए खुद जिद की थी। जिगर पर सभी का हक है भाई, अब देखो ना भाई, दुआएं भी तो यही सब लोग देते हैं हमें। जिगर साहब, ये तो किसी औरत की आवाज लगती है, आप देखिए कैसी साहब। जी बेटा, कौन है कैसी मियाँ? कोई तवायफ है, जिद कर रही है आपसे मिलने की, गजलें मांगती होगी कैसी साहब गाने के लिए। जी नहीं, मैंने कहा भी जिगर साहब बीमार हैं, मैं गजलें लिखकर दे देता हूँ। जी, मना कर दिया उसने, कहती है जिगर साहब से सिर्फ इतना अर्ज कर दीजिए कि तूर आई है। तूर? इस नाम से तो हम भी आशना नहीं, आखिर क्यों मिलना चाहती है, अल्लाह जाने कौन है। जिगर साहब, जिगर साहब। कोई तवायफ है, कहती है हम कलकत्ता से आए। कलकत्ता? जिगर साहब से मिलने। मियाँ, अंदर बुलाकर बिठाइए उसको, इतनी दूर से आई है वो, अरे कुछ तवाजो कीजिए उसकी। और हाँ मियाँ कैसी, सुनिए, कोई हाजत हो तो पूरी कर दीजिएगा उसकी। तवायफ है? अरे सुनिए मियाँ कैसी, इधर आइए। अरे मियाँ, क्या नाम बताया उसने? उसने अपना नाम तूर बताया। तूर? जी। शीराजन? क्या शीराजन आई है? मियाँ कैसी, तूर है वो, अरे उसे जल्दी बुलाइए, कलकत्ते से आई है मियाँ, थक गई होगी। क्या हो गया आपको जिगर साहब? वो तो अपना नाम शिराजन बता रही है। हमने हमने रखा था उसका नाम तूर, हमारे शबाब, हमारी मैखारी की यादगार है वो बेगम। उसे
उसे अंदर बुला लीजिए कैसी साहब, हम कह रहे हैं। लेकिन जिगर साहब वो तवाइफ है। है बेगम इंसान है वो भी। आप तो आदाब हुजूर। आदाब, आदाब आदाब बेगम साहिबा। अरे तूर ये क्या हो गया तुम्हें, तुम तो बिल्कुल बदल गई भाई। देखो तो ये सफेद बाल, चेहरे पर तुम्हारे ये झुर्रियां, क्या हो गया तुम्हें तूर? जवानी तो चार दिन की होती है हुजूर, और फिर तवाइफ की जवानी ही क्या, कहां तक बचाती वो। हुजूर आप भी तो बूढ़े हो गए हम भी तूर। वक्त किसी को माफ नहीं करता तूर। बैठ जाओ बैठ जाओ जी। अरे रे फर्श पर बैठ रही हो तूर, ऊपर बैठो भाई। इधर आओ इधर, हाँ हमारे पास आओ, यहाँ बैठो जी। हमने तुम्हारा नाम तूर रखा था, और तुमने कुछ कहा था हमसे, याद है भाई? हाँ, याद है। इल्तिजा की थी, इल्तिजा की थी हुजूर से, जब हमें तूर बना ही दिया है तो भुलाइएगा नहीं हुजूर। हमने अपना वादा पूरा किया तूर। हाँ, हमने गजलियात के मजमुए का नाम ही तूर तुम्हारे नाम पर शोलाए तूर रख दिया। ये देखो वो जी, जी। मेज पे उधर ऊपर देखो किताब वो जी। अल्लाह हाँ। कनीस का ये नसीब हाँ। एक तवाइफ की इतनी इज्जत अफजाई। अल्लाह मेरी उम्र भी आपको अता कर दे। आज मालूम हुआ तुम्हें कैसी मियां, और नसीम आपको भी जी। क्यों क्यों रखा था हमने शोलाए तूर नाम है। अरे हाँ तूर, ये किताब हम तुम्हें भेजना जरूर चाहते थे, कोशिश भी की हमने, लेकिन तुम्हारा नामो निशान ही नहीं मिला हमें। कैसी मियाँ सुनो, याद रखना मियाँ, जिंदगी में किसी से वायदा ना करना मियाँ, और अगर करना तो हमारी तरह वायदा वफा भी करना। बहुत अच्छा किया तुम भाई आ गई तूर, अब याद भी बहुत आ रही थी तुम। अच्छा और सुनाओ भाई, वो हाँ वो अमानी जान का क्या हाल चाल है भाई? वो तो अल्लाह को प्यारी हो गई। इन्ना लिल्लाहि वा इन्ना इलैहि राजिऊन। आजादी से पहले ही ताइफा उजड़ने लगा, फसाद शुरू हो गए, खून खराबा होने लगा चारों तरफ। हम अपनी माँ अमानी जान के साथ जान बचाकर कलकत्ते चले गए हुजूर। अच्छा। लखनऊ रेडियो स्टेशन से आपकी आवाज में गजलें सुनी तो दिल मुलाकात के लिए बेचैन हो उठा, और हमने आपको तलाश ही लिया हुजूर। हाँ वो मुखलिस का क्या हाल है? मुखलिस तेज बुखार था उन्हें। अच्छा। आना चाहते थे आपसे मिलने, लेकिन आ ना सके। शायद दो चार दिन में आपके पास आएंगे वो। अच्छा अच्छा अरे
ये क्या है दूर? अरे खोलो तो नसीम से, देखो इस पोटली में क्या है। जी। अरे इतने सारे जेवरात और इतने रुपए, शिराजन की सारी जिंदगी की कमाई है हुजूर। थोड़े से जेवरात और ये रुपये। जेवरात बस यही है हुजूर, कबूल फरमा लें, हुजूर के इलाज में काम आएंगे। शिराजन जी, आप जिगर साहब से मिलने इतनी दूर से आए, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है हमारे लिए? अल्लाह आपको खुश रखे। अल्लाह का शुक्र है तूर, बस दुआ करो। लो कनीज एक जमाने से हुजूर की गजलें गाकर कमा रही है, कभी कोई खिदमत का मौका नहीं मिला। हुजूर आज तो मुझे अपने पांव छू लेने दीजिए। अरे रे, ओ, क्या कर रही है बेवकूफ औरत, पांव छोड़ दे तूर हमारे। ये तो दिल की मोमिन लगती है, ये सैयद के कदम है, मेरी नजात का वसीला। बेगम साहिबा, बेगम साहिबा, आप सिफारिश फरमा दें, कनीज की आरजू पूरी हो जाएगी। बेगम साहिबा, शिराजन अब कुछ दिन तुम यहीं रहो, खिदमत करो जिगर साहब की। जी सुकून मिलेगा। हमारा तो दिल लरज रहा है नसीम, आपने ऐसा कहकर बहुत बेहतर किया बेगम। भाभी साहिबा की राय दुरुस्त है जिगर साहब। जी वैसे आप भी किसी का दिल तोड़ना नहीं चाहते, अच्छा है कुछ दिन तो यही कयाम करें। भाभी साहिबा का भी दिल बहल जाएगा। जैसा आप लोग बेहतर समझे अच्छा है भाई। आदाब जिगर साहब। आदाब आदाब, आइए आइए, तशरीफ लाइए जनाब। गोपीनाथ जी, हम सभी लोग आपके ही मुंतजर थे। बहुत खुशनसीब है ये जिगर जो हिंदुस्तान के वजीरे इत्तलात व नशरियात मेरे गरीब खाने पर तशरीफ लाए हैं। मियाँ बड़ी जहमत फरमाई आपने। अरे जहमत किस बात की जिगर साहब, फख्र की बात तो मेरे लिए है जो मैं आपके दीदार कर सका। अरे जी, मैं तो लखनऊ वाले मुशायरे से ही आपका शैदाई हो गया था, याद है ना जिगर साहब? वहीं आपकी हमारी पहली मुलाकात हुई थी। आज भी जहन में याद ताजा है उस मुशायरे की। हमें भी ऐसा लगता है मियाँ कि ये बस कल की ही बात है। अर्ज किया है मोहब्बत जिंदगी, जिंदगी है। शुक्रिया करम जी, नवाज, बहुत मेहरबान, बहुत मेहरबान। मोहब्बत जिंदगी, जिंदगी है, मगर तुझ बिन मेरे किस काम की है। आदा मेहरबान नवाज, बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। सादा सा मतला है जनाब, पेशे खिदमत है।
जरा सा दिल है लेकिन कम नहीं है। मोहब्बत शुक्रिया। जरा सा दिल है लेकिन कम नहीं है, इसी में कौन सा आलम नहीं है। बहुत बहुत मेहरबानी शुक्रिया। इसी में कौन सा मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। इनायत करम, नवाजिश नवाजिश जी, बड़ी नवाजिश। गोपीनाथ जी खूब याद दिलाया आपने, जिगर साहब जी। रेडियो तो आपका बहुत शुक्रगुजार है, आपने जो अपने कलाम का जखीरा इस महकमे को दिया है जी, वो तो ऐसा सरमाया है जो आवाम के लिए बहुत अहम है। वजीर साहब, जिगर का तो रेडियो से बहुत पुराना रिश्ता है, बहुत गजलें रिकॉर्ड कराई हैं साहब हमने। आपने तो बहुत कुछ दिया है इस हिंदुस्तान को जी, और आवाम ने भी आपसे बेपनाह मोहब्बत की है जी। मेरी जिंदगी का तो मकसद यही रहा है कि किसी के लिए कुछ कर सकूं साहब, ये तो आप लोग बेहतर जानते हैं कि क्या कर सका हूं मैं। मैंने जो कुछ किया वो मेरा फर्ज है, और जो मुझे आवाम से मोहब्बतें मिली वो मेरा हक है। बेशक कभी शाखो सब्जाओ बर्ग पर, कभी गुंजाओ गुलो खार पर, मैं चमन में चाहे जहां रहूं मेरा हक है फसले बहार पर। अल्लाह खैर करे, कैसा महसूस कर रहे हैं हुजूर? अल्लाह, शदीद दर्द है सीने में जी। अल्लाह, मुखलिस कहाँ है? हुजूर वो सो रहे हैं, आप कहें तो उन्हें बेदार कर दूं। नहीं नहीं, खुद भी बीमार है, सोने दो उसे। हम कैसे साहब और बेगम साहिबा को बेदार करते हैं? अल्लाह, कैसा दर्द है, पीरो मुर्शिद, हाथ थामे रहना। अल्लाह, खाके मंगलोर अस्त चूं दामन कशा, अज़्दो आलम दस्त अफशा मीरवम।
अल्लाह, खुदा खैर करे, कैसे हैं आप? ठीक तो हैं? कैसी? जी, नाकाबिले बर्दाश्त दर्द है। रात के 2 बजे हैं, कोई डॉक्टर मिल सकता है कैसी साहब? हाँ, मैं कोशिश करता हूँ, बस अभी आया मैं। जी अल्लाह, अपना मांगता हूँ इस जिंदगी, अल्लाह खताओं को माफ करना बेगम। जी जी हुजूर, बहुत हिम्मत रखिए। अज़ियत दी है हमने आपको, ऐसी बातें ना कीजिए, माफ कर देना नसीब। हौसला कीजिए अल्लाह पर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे आप। क्या हुआ भाभी? क्या हुआ? क्या हुआ जिगर, तुम्हें क्या हुआ? मुखलिस, सीने में बहुत दर्द है। तू बेदार हो गया यार। बोल बोल मेरे यार, बोल क्या बात है? मेरे पास इधर, मेरे करीब, मैं ले ले, मैं तेरे इतने और इतने करीब तो मेरे दिल पे हाथ रख दे मेरे यार। हाँ मेरे यार, तेरे हाथ रखने से बड़ा सुकून मिला। ले ले, ले और रख देता हूँ। ले ले ले, जिगर मेरे यार, ये देख मेरे साथ और कौन है? कौन है? हमारा हमदर्द। मैं हूँ हाजी विलायत अली रंगीन आगरे वाला, और हुजूर दीदार के लिए चलाया जिगर साहब, और हुजूर मैं बंदू आपकी खिदमत चला रही हूँ। खबर मिली थी कि आपकी तबीयत नाराज है, दिल नहीं माना, हाजिर हो गए आपको देखने को। लोगों की हमदर्दियों का सिला भी तो नहीं दे सकता ये जिगर। नहीं हुजूर, हाजी रंगीन साहब जी, आपको हज करने की अल्लाह ने तौफीक अता फरमाई या नहीं जनाब? जिगर साहब, अल्लाह कसम, आपने रास्ता दिखाया है, इंशाल्लाह इस बार बिल्कुल जाना तय है। और अल्लाह के करम से हुजूर, ये बंदू भी रंगीन के साथ हज को जरूर जाएगा। अल्लाह तुम पर मेहरबान रहे, आप पर भी। जब भी जाना हमारे लिए भी, दोनों जहां के लिए दुआ करना। बंदू मियां जरा करीब आइए। हाजी रंगीन जिक्र कर रहे थे कि आपको तो हमारा पूरा दीवान याद है। जी जिगर साहब, हमने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में जो नाते पाक लिखी है उसे सुना दीजिए। बिल्कुल, शायद इस बेकरार दिल को करार आ जाए, इंशाल्लाह आएगा। जिगर साहब, हम क्या
हमारी औकात क्या, सारी सारी दुनिया दुनियाए शेर सुखन आप पर कुर्बान है। मैं नात पेश कर रहा हूँ, एक रिंद है और उम्मते सुल्ताने मदीना, एक उम्द है और उम्मते सुल्ताने मदीना, हाँ कोई नजर रहमते सुल्ताने मदीना, कुछ हमको नहीं काम जिगर और किसी से, काफी है बस एक निस्बते सुल्ताने मदीना। सुभान अल्लाह, एक रिंद है और उम्मते सुल्ताने मदीना, अल्लाह रहम कुन बर हाले मा, अभी अभी ना जाओ जी, मेरे यार नसीर तू तू दूर दूर नसीम तुम इधर आ जाओ नसीम, जिगर तेरे रोने वाले तो बहुत है मेरे यार, नसीम शिराजन कैसी, मेरा रोने वाला सिर्फ तू है जिगर, मुझे रोने के लिए तो ठहर जा यार, अरे कौन रोएगा मुझे तेरे अलावा, अभी ला जा मेरे यार तेरा नाचीज बंदा, तेरे हुजूर हाजिर हो रहा है, या अल्लाह ये क्या हो रहा है मुगली साहब, हमारी तो माफ कर देना नसीब, ऐसा नहीं कही अहम कुन पर हाले अल्लाह, जान कर मिन जुमलाए खासाने मैं खाना, मुझे मुद्दतो रोया करेंगे जामो पैमाना, मुझे
जो फर्ज है वो अहले सियासत जाने, उनका जो फर्ज है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे, मेरा पैगाम मोहब्बत है, मेरा पैगाम मोहब्बत है, मेरा पैगाम मोहब्बत है।